तुम अपने बाबू के लिए चांद तारे तोड़ोगे और उसके साथ पलंग कोई और तोड़ जाएगा। इसके जैसी बंदी अगर गर्लफ्रेंड हो ना तो लोग पलंग क्या सब कुछ तोड़ जाते हैं। ये पलंग तोड़ने की बात है, खुश हो रही है, लगता है लोगों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही सब कुछ इसको तोड़वा लेना है। साला कौन चूतिया होगा जो इसके जैसी गर्लफ्रेंड होने के बाद साला चांद तारे तोड़ने जाएगा। उसको बहुत अच्छी तरह से पता है की मैं चांद तारे तोड़ने जाऊंगा और ये अपने चांद तारे पता नहीं किस किससे तोड़वाएगी। दो चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, एक गांड की बवासीर और दूसरा सोशल मीडिया पे माँ बाप का ना होना। आप यही सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे माँ बाप का ना होना कैसे खतरनाक, आपको आगे पता चल जाएगा। 001 थारे को नमन, तो आओ यार शुरू करते बिना किसी के पिछवाड़े पे उंगली किए हुए। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट। क्योंकि जिस वायलेंस की तू बात कर रही है ना, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी वीडियो में एक वायलेंस ही तो है ना, जो साले सारे ठरकी देखने आते हैं। ओ अच्छा, ये एक मैसेज दे रही है ठरकियों को कि मैं गांड दिखाती नहीं, बस दिख जाती है। इतना खतरनाक प्राणी है कि ये पोटी खाती नहीं, खुद पोटी इसके मुंह में चली जाती है। बहनचो, ना आंखों में शर्म ना दिल में रहम, उफ, ये आजकल के मादर चोट सनम। कौन बहनचो भोसड़ी का देख के तुम्हें शर्म करेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर बंदर ने टट्टी की हुई है और इसे देखकर लगता है कि इसे रहम की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये खुद से बहुत ज्यादा परेशान है। तो सबको पता है कि इसको वीडियो के अंत में अपनी गांड जरूर दिखा। साला कुत्ते के दुम 100 साल के बाद ही सीधी नहीं हो सकती। साला तुम्हारी वजह से दुनिया के लाखों लड़के उस वाली बीमारी मतलब मुठलों की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये अपना सब कुछ दिखाती है, लड़के अपना हाथ सीधा पैंट में डालते हैं, उसके बाद क्या होता है ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हाथ वाली चीज कितनी खतरनाक है। आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, ये आपको बाद में पता चलेगा। क्या हुआ यार, आज क्यों ये तू? सुना है वो दो बच्चों का बाप है जो कहता था तू न मिली तो मैं मर जाऊंगा। वाह क्या हंसी है, अबे ऐसी हंसी देख के बंदा पांचवे माले से छलांग मार दे बहन, फिर भी उसके अंदर का गुस्सा ना जाए। ये वो बवासीर की बीमारी है, उसको भी पता चल गया था कि ये बहुत ही खतरनाक बवासीर, अगर ये मिल गई मैं तो मर ही जाऊंगा, क्योंकि ये वो खतरनाक चुड़ैल है और लोग तुझसे शादी क्या भीख तक ना डालें, और अभी तक तो वो दो बच्चों का बाप है। तुझसे छुटकारा पाने की खुशी में उसे अपनी पूरी इंडियन टीम भी तो बनानी है। ये आजकल के रिश्ते कहां इतने सच्चे हैं, ये आज इसके हैं तो कल उसके हैं, सारा समझ नहीं आता आजकल के महबूब इतने सस्ते या फिर होते ही मादर चोट के बच्चे। मादर चोट के बच्चे, मुझे लगता है ये खुद से परेशान है, इसका हवस देकर लगता है इसका महबूब क्या गधा भी ना इसके पास आए। इस तरह से ये खंबे से मजे ले रही है, लगता है 100 जन्म की हवस की भूखी है। अगर आप इसको सुअर की टट्टी वाले शरबत के साथ इंसानों की टट्टी वाला बर्गर भी दोगे तो ये उसे भी नहीं छोड़ेगी। आजकल के बच्चे भी क्या कमाल कर रहे हैं, जिस उम्र में माँ बाप को कंधा देना चाहिए उस उम्र में घर से धक्का दे रहे हैं। कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, कोई नहीं। वाह वाह क्या बात है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पर। तरह की इसकी हरकतें हैं ना, अगर इंस्टाग्राम पे इसके माँ बाप होते तो इसकी इतनी अच्छी सर्विस करते कि 4 कंधों की जरूरत इसको पड़ती। और ये मोटिवेशनल वीडियो बनाने से संन्यास ले लो, उन्होंने तुम्हें इसलिए फॉलो किया कि तुम खुले में गाना करती हो। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग जिस चीज के लिए तुम्हें देखने आते हैं वो चीज तो उन्हें मिलती नहीं। तुम लोगों को मुझसे प्यार ना हो जाए इसलिए मुझे फॉलो नहीं करते ना, बताओ बताओ। साला कौन है जो एड्स की बीमारी से दूर ना जाके उसको गले लगा के बाबू सोना करके प्यार करेगा, यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है। साला बिल्ली भी खुद को कुत्तों की मौसी समझती है, अब इसको ये नहीं समझ आता कि जरा सी लोगों में बीमारी फैला, वो भी बहुत ही खतरनाक बीमारी, कोरोना बवासीर जैसे बहुत कुछ। सब अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के मादर चोद, निकल मादर चोद के बच्चे। इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, सब अलग अलग होते हैं, ये तो साला वही बात हो गई। तुम लोग कुछ गलत मत समझ लेना, मैं इसकी नहीं लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोग अलग अलग होते हैं, इसका मुझे पता नहीं है कौन सी चीज की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरह की इसकी हरकतें हैं ना पक्का इसको बहन बड़ा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बातें तो ये बड़ी डीप करती है ना, क्योंकि कोई भी बिना एक्सपीरियंस के इतनी डीप बातें नहीं कर सकता ना, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। रुको जरा, सबर करो। साला ऑनलाइन प्यार का साइड में कैसा होगा बहन, मैंने सोचा नहीं था। करनी है कुछ गुफ्तगू, अल्फाज बन जा जरा। खुदा जब से हुआ तेरे बिना खामोश रहता।
पीरियड पेन सबका सोल्यूशन बेंचो बॉयफ्रेंड, ये दुनिया बौखला गई है, इसे पेन नहीं हवस कहते हैं बेंचो। प्यार ना एक खूबसूरत एहसास है और ये लाइन बिल्कुल बकवास है। का प्यार तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, तभी तो अभी एहसास बेंचो बुरा लग रहा है। ये बात तो कीचड़ में मुंह देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब क्या फायदा जब चिड़ा चुग गया खेत, अब तो बुरा लगेगा ही ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब कर दो यार, अनसब्सक्राइब का ऑप्शन ही नहीं है ना। यह वीडियो हंसी और मजाक के लिए बनाया गया, आपको किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है।